बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम विज़िट करेंगे 7 मरला यूज्ड हाउस का, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ है रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। घर की जो डाइमेंशंस है वो है 30x55। 30 घर का फ्रंट है, विड्थ है 55, घर की लेंथ है, लंबाई है। आप सब ने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है, घर का हम प्रॉपर विज़िट करेंगे और इसी वीडियो में आपके साथ फर्दर आगे जाके मैं घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, तमाम डिटेल्स शेयर करूँगा। एंड व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग, सर्च किए बगैर। विज़िट स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन आपने देख लिया होगा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और एलिवेशन पे कंप्लीट ग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। एंड व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, घर के राइट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है और लेफ्ट साइड पे प्लॉट है। तो अब मूव करते हैं घर के पार्किंग रैम्प पे। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास घर का कार रैम्प है जिस पर टफ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और राइट साइड पर घर का काफ़ी खूबसूरत ग्रीन एरिया अवेलेबल है जिसको आप मज़ीद और अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। बिजली का 3 फेज मीटर इंस्टॉल्ड है एंड प्लस पॉइंट इस घर में हमारे पास गैस भी इंस्टॉल्ड है। तो ये अब आप इसका मेन गेट देख लीजिए व्यूअर्स, ओपनेबल गेट है। तो चलते हैं घर के पोर्च में। घर के अंदर इंटर होते हैं तो व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि यूज्ड हाउस है तो थोड़ी बहुत आपको घर की कंडीशन जो है वो थोड़ी ऑड लगेगी। और फ्लोरिंग पे पोर्च में मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर ये इसका आप सीलिंग वर्क चेक कर सकते हैं, एक शैंडलर भी अवेलेबल है। और राइट साइड टर्न करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक और पानी की छोटी मोटर भी इंस्टॉल्ड है। एलिवेशन को आप क्लोजली चेक कर लें, ग्राफी की गई है और यहाँ की आप वॉल डिज़ाइनिंग भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो राइट साइड पे डोर है ये हमारे पास ड्राइंग रूम की एक्सेस के लिए है और फर्दर जाली वाला जो दरवाज़ा है बिल्कुल सामने वो हमारे पास मेन एक्सेस के लिए है। तो चलते हैं घर के अंदर। सबसे पहले एक स्टेप देख लें, फर्स्ट हमारे पास ये नेट वाला डोर है, उसके पीछे हमारे पास एक और डबल डोर है जी। तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं घर के अंदर, घर के मेन लाउंज के एरिया में। तो वीडियो के स्टार्ट में व्यूअर्स आपके साथ शेयर कर दूं, आज की न्यू वीडियो में हम विज़िट कर रहे हैं 7 मरला यूज्ड हाउस का, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ है रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। वीडियो आप सब ने लाजमी एंड तक देखी है क्योंकि काफ़ी फ़ोन कॉल्स और टैक्स वगैरह आते हैं कि यूज़ घर की वीडियो बनाए, यूज़ घर हो। तो काफ़ी डिमांड थी तो काफ़ी टाइम बाद यूज़ घर आपके लिए अवेलेबल है, तो इसका आज हम कंप्लीट विज़िट करेंगे। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, आपके साथ घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, तमाम डिटेल्स शेयर करूँगा और आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का और फ्लोर प्लान का आइडिया हो जाएगा कि ये घर कितना अर्सा यूज़ है। तो ये ड्राइंग रूम का एरिया व्यूअर्स, ग्राउंड पोर्शन पे सामने बिल्कुल एक किचन है क्लोज्ड, 2 बेडरूम्स हैं और एक लाउंज का एरिया डिज़ाइन किया गया है। ऊपर इसका आप सीलिंग वर्क चेक कर लें, राइट साइड पे वॉल डिज़ाइन है और थ्रू आउट द ग्राउंड फ्लोर सेम पैटर्न का जो है मार्बल इस्तेमाल किया गया है। घर के लाउंज में से ही फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस है। ये अब आप एक और कॉर्नर से प्रॉपर एक रिव्यू कर लें। तो इसका किचन विज़िट करते हैं। सबसे पहले फ्लोरिंग पे अगेन मार्बल है और व्यूअर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के इस ब्लॉक में भी गैस, बिजली और पानी अवेलेबल है। इस घर में भी गैस भी इंस्टॉल्ड है और बिजली और पानी तो आप रोज़ देखते हैं वीडियोस, हर घर में बिजली और पानी अवेलेबल होती है। तो ये इसका किचन का एरिया है। कैबिनेट्स आप देख लीजिए, लोअर कैबिनेट्स और अपर कैबिनेट्स जो हैं दोनों बिल्कुल सेम हैं। यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन विंडो है और बैक साइड के एक्सेस के लिए भी लॉन्ड्री के आप देख सकते हैं डबल डोर है, नेट वाला भी और साथ मेन सॉलिड डोर। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र भी इंस्टॉल्ड है, ऊपर दूसरा गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। और घर के अगर आप अंदर से देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। घर के ऑपोजिट साइड पर भी घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है और घर के बैक साइड पे भी घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। तो अब अगेन आपको मैं किचन के एंगल से सारी स्पेस दिखाता हूँ। अब टर्न करते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट की तरफ। तो वीडियो में ही स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था थ्रू आउट द ग्राउंड फ्लोर आपको फ्लोरिंग पे मार्बल देखने को मिलेगा सेम पैटर्न का। ये इसका डोर है, मिड में ग्लास का इस्तेमाल भी किया गया है।
और फर्दर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसकी 4 डोर वार्डरोब्स हैं। फ्लोरिंग में मार्बल और सीलिंग इसका बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे राइट साइड पे इसका वॉशरूम है, अटैच्ड वॉल हैंगिंग वैनिटी है। शॉवर एरिया का जो टाइल है वो डिफरेंट है। फर्दर आप देख सकते हैं बिल्कुल सीलिंग तक टाइल वर्क किया गया है। व्यूअर्स, इस घर का प्लस पॉइंट ये है, एक तो इस घर में गैस इंस्टॉल्ड है और सेकेंडली कमर्शियल एरिया जो है इस घर से आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है और घर के बैक साइड पे आपके पास फैमिली पार्क अवेलेबल है। तो स्कूल भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मस्जिद भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पार्क, कमर्शियल एरिया, बैंक्स वगैरह जो है बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे इस घर से अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट इस घर की जो लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम है और यूज्ड हाउस है। तो यूज्ड हाउस पहले भी 3-4 चैनल पे अपलोड थे, तो यूज्ड हाउस मार्केट में काफ़ी जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। तो ये बेडरूम नंबर सेकंड है, इसकी हाइट चेक कर ले आप, घर रूम की सॉरी काफ़ी हाइटेड है। सामने वेंटिलेशन विंडो जो पोर्च से भी आपको नज़र आई थी और यहाँ पे डोर की बैक साइड पे इसकी हाइटेड वार्डरोब्स अवेलेबल हैं। तो ये लास्ट बेडरूम है ग्राउंड पोर्शन का, इसके बाद हमारा ग्राउंड पोर्शन का विज़िट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इसका वॉशरूम है, शॉवर टब भी अवेलेबल है। फ्लोरिंग पे टाइल वर्क देख लें, ऊपर सामने बिल्कुल वेंटिलेशन विंडो। ये इसका मिरर एरिया। तो व्यूअर्स, ग्राउंड पोर्शन का विज़िट हमने कंप्लीट कर लिया है, मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो इस बेडरूम से आप अब सारी स्पेस को एक दफ़ा देख लें और अब मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। टीवी लाउंज से ही हमारे पास एक्सेस है फर्स्ट फ्लोर की। स्टेप्स जो हैं ये भी मार्बल के हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं घर के फर्स्ट फ्लोर में। तो बिल्कुल सामने राइट साइड पे यहाँ पे किचन डिज़ाइन करने की स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे एक बेडरूम है और ये आपके टीवी लाउंज का एरिया है और ड्राइंग रूम को भी बिल्कुल सेपरेट राइट साइड पे डिज़ाइन किया गया है। और फर्दर यहाँ पे वॉशरूम है, टीवी लाउंज के साथ यहाँ पे एक वॉशरूम डिज़ाइन किया गया है इंडियन सीट के साथ। यहाँ पे वॉश बेसिन, ऊपर मिरर एरिया। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, इस घर की आस्किंग प्राइस की, घर की डिमांड की। तो इस घर की जो आस्किंग प्राइस है फ्रॉम ओनर साइड वो है 1 करोड़ 85 लाख। 1 करोड़ 85 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है, घर की डिमांड है जो कि ऑनर की तरफ से है और जो कि नेगोशिएबल है। तो घर से रिलेटेड फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेल नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नेम विद नंबर मेंशन है, आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे या सिम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, घर से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज की न्यू वीडियो में व्यूअर्स हम विज़िट कर रहे हैं 7 मरला सिंगल यूनिट यूज्ड हाउस का, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी में 1 करोड़ 85 लाख कैश पे सेल के लिए अवेलेबल है। इन टोटल घर में 4 बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम, 2 TV लाउंज हैं और 2 किचन हैं। छत पे सर्वेंट रूम विद वॉशरूम अवेलेबल है। तो लोकेशन जो है घर की काफ़ी प्राइम है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे घर अवेलेबल है सेल के लिए। और अगर आप वीडियो स्टार्ट से देखें तो आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, फ्लोर प्लान का आइडिया हो चुका होगा। इस रूम को सेपरेट डिज़ाइन किया गया है, इसको आप ड्राइंग रूम कंसिडर कर सकते हैं। और अगेन आपको मैं एक और एंगल से सारी स्पेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक मास्टर साइज बेडरूम है। पूरे घर में व्यूअर्स फ्लोरिंग पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद हम मूव करेंगे छत की तरफ। छत पे हमारे पास सर्वेंट रूम और अटैच वॉशरूम अवेलेबल है। इसका वॉशरूम, प्रॉपर सीलिंग तक टाइल वर्क किया गया है।
तो व्यूअर्स, हमने पूरे घर का अंदर से विज़िट कर लिया है और रिमेनिंग हमारे पास छत रह गई है। छत का विज़िट करते हैं, देन इस फर्दर इस वीडियो को एंड करते हैं। छत के एक्सेस भी हमारे पास यहाँ से ही है। तो आज की न्यू वीडियो में व्यूअर्स, 7 मरला सिंगल यूनिट यूज्ड हाउस का विज़िट किया, जो कि 1,85,00,000 कैश पे सेल के लिए अवेलेबल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। यहाँ पे भी स्पेस है स्टोर रूम के लिए। ये चिप्स किया गया है छत पे, वाटर टैंक, फर्दर यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को आपने लाजमी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। फी अमानिल्लाह।